सो गाइस, अगर आप लोग अपने YouTube चैनल पे वॉच टाइम इंक्रीज करना चाहते हो, वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हो, तो सिर्फ इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेना, आपका YouTube चैनल पे वॉच टाइम 101% इंक्रीज होगा, आपका YouTube चैनल पे वॉच टाइम जरूर बढ़ेगा। अगर आप लोग 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो सिर्फ आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो देखने के बाद आपका वॉच टाइम जो है 101% कंप्लीट होगा। आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, नहीं आपको कहीं भी पैसा देना है, नहीं किसी को कुछ कहना है। आप खुद अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजी तरीका से, ठीक है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना मेरे भाई। अगर आप कहीं भी थोड़ा भी बहुत अगर मिस कर देते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हम लोग को वॉच टाइम इंक्रीज करना है, कैसे हम लोग को वॉच टाइम बढ़ाना है, ठीक है। तो बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या है कि आप लोग अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो भी बढ़िया बात है, अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो भी यहाँ पर बढ़िया बात है। यहाँ पे वॉच टाइम देख सकते हो, यहाँ पे कितना ज़्यादा मेरा वॉच टाइम है, जो कि भाई लोग यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर को 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 8.9 के मेरा वॉच टाइम यहाँ पे मंथली का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे वॉच टाइम कैसे इंक्रीज करना है, वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि किसी को भी मतलब कि यहाँ पे अगर चाहते हो तो किसी को पैसा देकर अगर वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हो भाई, तो यहाँ पे पैसा देकर आपको वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है। अगर पैसा देकर वॉच टाइम बढ़ाते हो भाई, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग आपके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, अगर किसी को पैसा देकर अगर वॉच टाइम इंक्रीज करा लेते हो, वॉच टाइम कंप्लीट करवा लेते हो भाई, अगर आपका यूट्यूब चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज करने से कोई फायदा नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल पर इनकम होगा ही नहीं, तो मोनेटाइज करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ किसी को पैसा नहीं देना भाई। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर अच्छा खासा व्यूज आते हैं तो आप वॉच टाइम लेके यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका चैनल पे अगर व्यूज अच्छा खासा आते हैं तो भाई आपको वॉच टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका वॉच टाइम खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ इस वीडियो आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि आपको वॉच टाइम इंक्रीज कैसे करना खुद से, वो फ्री में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन बात क्या है कि अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो भाई आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने का जो झंडा है वो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे यूट्यूब ने खत्म कर दिया 2023 से, जो कि अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हो भाई, तो अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है और 10 मिलियन व्यूज यानी कि 1 करोड़ व्यूज अगर आपका चैनल पे 90 दिन में आ जाता है, तो भाई आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो दोस्तों अब आप लोग बता दो कि यहाँ पे अभी टाइम है, अगर आप लोगों के पास टाइम अभी है, अगर आप लोग अपने चैनल को चाहते हो तो भाई बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो शॉर्ट वीडियो बना के अगर आप लोग मंथली 90 दिन में अगर 10 मिलियन व्यूज ला लेते हो भाई, तो आपका यूट्यूब चैनल बिना वॉच टाइम का ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो बात करें कि आप शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते, लॉन्ग वीडियो बनाते, हम लोग को वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर जो है शॉर्ट वीडियो बनाते भाई, तो उसका चैनल तो मोनेटाइज हो ही जाएगा, जो कि 10 मिलियन व्यूज लाने के बाद उसका चैनल तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब कि मोनेटाइज हो जाएगा। और क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि शॉर्ट वीडियो में व्यूज बहुत अच्छा खासा आ जाते हैं, तो यहाँ पे चैनल जो है मोनेटाइज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें कि हम लोग को वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है, ठीक है। वॉच टाइम बढ़ाना बहुत मतलब कि हार्ड वर्क होता है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने बाद ही हम लोग को वॉच टाइम बढ़ेगा। तो सिंपल सा वो करना क्या है कि अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाना है। सबसे पहले अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपको करना क्या है कि लॉन्ग वीडियो 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो आप जो है एक ही साथ जोड़ कर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग 10-20-500 वीडियो मतलब कि अपलोड कर दियो, या फिर 100-150-200 वीडियो अपलोड कर दियो लेकिन आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा वो करना क्या है कि मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं भाई, जो आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ ना, उसे आप यूज़ करने से आपका चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करने से भाई आपका चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा। यूट्यूब अगर आपका चैनल को चेक करेगा कि आपका वॉच टाइम कहाँ से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से आपको जो है यूट्यूब जो है मोनेटाइज होने के बाद भी आपको डीमोनेटाइज यहाँ पे चैनल कर देगा। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना लेना है, नहीं कोई एप्लीकेशन का यूज करना है। जनरल तरीका ये तरीका आपको यूज करना है, आपका चैनल पे व्यूज जरूर आएगा। तो सिंपल सा करना क्या है, प्लेलिस्ट कैसे बनाता है वो देख लेना वीडियो, आपको आना है यहाँ पे प्लेलिस्ट अपने चैनल का प्लेलिस्ट में। तो आपको करना क्या कि यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आपको एक ही प्लेलिस्ट बनाना है, उसी में सारा वीडियो को ऐड कर देना है। तो वहाँ पे मैं आपको करना क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं दूसरे चैनल पे जाता हूँ यार, यहाँ पे आ जाता हूँ कि इस पे किस पे आ जाता हूँ, यहाँ पे समझ लो कि इस पे चैनल पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब ये मोनेटाइज चैनल है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि चैनल इसी में लोग ही नहीं प्लेलिस्ट में आते हैं। और आपको क्या करना है, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो को ऐड करना है, जैसे कि इस वीडियो को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे वीडियो पे आ जाना है। वीडियो पे आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे वीडियो को प्ले कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो प्ले कर दिया, यहाँ पे मैं इसे प्ले आवाज़ कम करता हूँ, वीडियो मैंने प्ले कर दिया, ठीक है। प्ले करने के बाद इसे मैं स्किप करता हूँ, ऐड को स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे 300 क्वालिटी ऐसे कर देना है 144। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से जाना सेटिंग पे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा
स्पीड का, तो यहाँ पे आपको कर देना है 2.2, मतलब दो पॉइंट आपको कर देना है 2 में, ठीक है। तब ये क्या होगा कि आपका वीडियो, अगर आपका वीडियो 1 घंटे का रहेगा तो 1.5 घंटे मतलब आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि वीडियो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे प्ले होते जाएगा, वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्ले होता जाएगा। तो जितना भी सारा वीडियो आपका है, समझ लो कि अगर आपको लोग यहाँ पे मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे 100 वीडियो अगर 5 मिनट का होगा तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना ज़्यादा आपका वॉच टाइम यहाँ पे हो जाएगा। और आप लोग क्या करना है कि इसी तरह से अलग अलग जीमेल से आपको वीडियो देखना है, वीडियो को वॉच करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर एक जीमेल से यहाँ पे सारा वीडियो को आप देख लेते हो, वॉच कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा जीमेल को लॉगिन करके वहाँ पे दूसरा जीमेल से आपको वीडियो देखना है, वॉच करना है, तो वहाँ से जो आपको वॉच टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वॉच टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि 5 मिनट का वीडियो है गुने यहाँ पे कर देता हूँ 100, तो यहाँ पे 500 मिनट यहाँ पे कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर 500 मिनट कुछ हो जाएंगे, तो इसी तरह से आपको अलग अलग जीमेल से आपको वीडियो देखना है, किसी से वाईफाई लेके देख सकते हो, या फिर किसी से मतलब कि यहाँ पे वाईफाई लेके देख सकते हो, फिर डेली का जो भी आपका वॉच मतलब कि डाटा मिलता है उस डाटे से भी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आपको 2-3 मोबाइल आपका घर में होगा, तो आपको इसी तरह से अपने मोबाइल मतलब वीडियो को खुद से वॉच करना है, खुद से आपका चैनल में मतलब वीडियो देखना है, और आपका वॉच टाइम इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि जीएनएल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्ले लिस्ट मैंने आप लोग को ओपन करने के लिए इसलिए बोला कि यहाँ पे प्ले लिस्ट ओपन करने के बाद वीडियो जो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे चेंज होता जाएगा। और हम लोग अगर डायरेक्टली देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग वीडियो वहां पे प्ले करना पड़ता है, बार बार वीडियो खत्म हो जाने के बाद हम लोग को वीडियो खुद नहीं आता है, तो वहां पे प्ले लिस्ट यूज करके यहां से जो वीडियो ऑटोमेटिक यहां पे प्ले हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत आसान तरीके से। बाकी बात यहां पे बात करें तो दोस्तों यहां पे जो मेरा चैनल है आरके स्टूडियो टेक, मेरा एक चैनल था जो कि अभी मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे आदमी को दे दिया हूं यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आता हूँ तो मैं इस चैनल को मैंने मोनेटाइज किया, मैंने खुद से ही वीडियो देखा, खुद से ही मैंने वीडियो देख के इस पर वॉच टाइम कंप्लीट किया और इस चैनल को मैंने मोनेटाइज किया, जो कि ये भी चैनल मेरा मोनेटाइज है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये भी चैनल पे देखोगे तो इस पर भी एड चलेगा, यहाँ से भी इससे भी मतलब इनकम मेरा होता है, ठीक है, जो कि देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। भाई यहाँ पे 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा भाई, 1 महीने 2 महीने अगर वहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं ना, तो आपका चैनल पर वॉच टाइम 101% इंक्रीज हो जाएगा, वॉच टाइम 101% आपका चैनल पर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।